वंस अगेन अ बिग गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नाम सोनम है. पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इस इंडस्ट्री में आ गई. ध्यान देना, जब भी आप शुरुआत करते हो ना, अप एंड डाउन आते हैं और ये लाइफ का पार्ट है. ये नहीं आएगा तो सीखोगे नहीं. कई बार बोलते हैं कि आपकी जिंदगी में पहले मंथरा शकुनी ना दिखते थे कि ये मंथरा है या शकुनी है, रूपरेखा से पता लग जाता था. बोला आज तो घर के अंदर होते और पता नहीं लगता. और नुक्कड़ नुक्कड़ पर भी होते हैं ये. जब भी आप शुरू करोगे आपको रोकने के लिए आ जाएंगे बार बार, ये मत कर, ऐसे मत कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अरे नई कंपनी है, बोलते हैं इस टाइप से आता है. तो दैट्स कॉल्ड द मंथरा शकुनी. आपको बचना पड़ता है इनसे, बहुत ज़्यादा बचना पड़ता है. ये उन दोनों की बात बता रही हूँ. जब मेरा 300 का पे आउट बना था ना, कितने का बना था? 300 रुपए का पे आउट. बड़ा अच्छा पे आउट था. हाँ जी, कितनों को लगता है बहुत अच्छा पे आउट है ये? बाई गॉड, यार बड़े अच्छे लोग हो यार. मतलब लोग ये कोई पे आउट है? ये पे आउट बनते हैं ऐसे? इतने रुपए का कोई पे आउट आता है? इतने तो इससे ज्यादा तुम्हारे लग गए होंगे पेट्रोल में, डीजल में. स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, समझ रहे हो? कब? जब मैं इस इंडस्ट्री को सन 2010 से 2016 दे चुकी थी. 2016 नहीं, 2018, 8 साल दे चुकी थी. उसके बाद मेरे पहले महीने का पे आउट ये था. इम्पॉर्टेंट, जब कभी भी देखिए, सफल और असफल में एक ही अंतर होता है. जब भी वो शुरू करता है ना, अंत को ध्यान देकर शुरू करता है. क्या मैंने रिपीट करूं मेरे वर्ड को जो मैंने बोला? अंत को ध्यान रखते हुए शुरू कीजिए. मुझे 300 के चेक ने नीचे नहीं डिमोटिवेट किया. मेरी अपलाइन ने, अच्छा ये 2 लाख का प्लान है, एक के एक अपलाइन ना देना, एक तरफ तो लड़ने लगते हैं लोग. अंत को ध्यान देके शुरू कीजिए. अपलाइन ने एक तरफ नहीं दिया तो क्या तो भी करोगे? बात समझ में आ रही है? अंत को ध्यान देके कभी भी शुरू करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो क्या दिक्कत है? दो ही तो है, और भी अच्छी बात. शुरू करेंगे, दोनों चला लेंगे. दूसरा, चेक हो सकता है बड़ा बने और हो सकता है चेक बड़ा ना बने, तब भी क्या आप टिकेंगे? इसे बोलते हैं अंत को ध्यान देकर शुरू करना. कई बार आपने शुरू किया और आपको लाने वाली अप्लाई गायब, किसी भी वजह से, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन अंत को ध्यान देकर शुरू किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्या पता मुझे लाने वाला ही चला गया तो, तब भी क्या मैं कर पाऊंगा? वो हिम्मत बांध के रखना है. अंत को ध्यान देके शुरू कीजिए. उस अपलाइन का इतना शुक्रिया कि उसने ये ओके लाइफ केयर हमें दे दिया. काम तो हमें ही करना है. पता है मैं क्यों ये अंत को ध्यान में रख के शुरू करना जो है डिसीजन ले पाती हूँ? मैं सोचती हूँ अगर ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता और मैं ट्रेडिशनल करती तो कौन सपोर्ट करता है? नो वन. इस बिजनेस में हूँ तो भी मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी. इस बिजनेस में नहीं हूँ, ट्रेडिशनल में हूँ तो भी मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी मुझे. जब दोनों ही केस में बराबर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ अपलाइन पे क्यों अपनी नाकामयाबी का पन्ना फाड़ते हो यार? बोला अपलाइन जोड़ के चली गई ना, इसलिए नहीं कर पाए हम. बोले अपनी नाकामयाबी का पेज उसके नाम कर दो. बोला इसलिए नहीं हुआ. दूसरा, कुछ लोगों के नीचे डाउनलाइन पे पन्ना फाड़ते हैं. बोला जी डाउनलाइन नहीं मिली मुझे अच्छी. दोनों केस को खत्म करो ना, अपलाइन की जिम्मेदारी ना डाउनलाइन की जिम्मेदारी. आपकी सफलता की जिम्मेदारी किसकी? मेरी. यार ये बड़ा अच्छा वर्ड है, हमारी बोलते हैं कुछ लोग. बोला हमारी में जिम्मेदारी बट जाती है, जिम्मेदारी बांटो नहीं जी मेरी. ये सोचिए शुरू किया और शुरू करने से, और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, अंत का ध्यान रख के शुरू करें. एक किताब है, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. उस किताब का तीसरा जो पार्ट है वो यही है कि अंत को ध्यान देकर शुरू करें. जब भी अंत को देख ध्यान में रख के शुरू करेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप असफल नहीं होंगे. और वो किताब पता है कितने लोगों को देख के बनाई गई है? 3000 सफल लोगों की बायोग्राफी जिसपे 3 साल की स्टडी है. तो ये जो मैंने लाइन लिखी थी ना, ये उस किताब की तीसरी हैबिट है. और ये इतनी खतरनाक हैबिट है कि अगर आप कभी भी कुछ भी शुरू करो, इसे ध्यान देकर शुरू करोगे तो फेलियर होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं. क्योंकि जितनी विपरीत परिस्थिति है ना, उसको आप पहले ही अज्यूम कर लिया आपने कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जी, प्रोडक्ट शॉर्ट हो गए तो? अरे ऐसी ऐसी कंपनियाँ सिंगल प्रोडक्ट पर चलती है. हमारे पास तो 125 प्रोडक्ट है. सॉरी टू से सर, और हम एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी से भी हैं, उसमें आज भी शॉर्ट होते हैं जी.
इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। छोड़िए, अग्रवाल वाला पूरी मिठाई मेंटेन नहीं कर पाता, अरे आपके पर छूने वाला भी मेंटेन नहीं कर पाता, पता ही नहीं कब क्या ज़्यादा बिके कब कम। तो जब भी आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम करोगे, ये हर जगह हर कंपनी के अंदर आएगा। एक कंपनी से मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ पर क्या है मेंटेनेंस का, किस तरीके से, बोला जी 100% होता है। मैंने कहा बड़ी यूनिक बात बोल रहे हो, बड़ी अद्भुत, इंटरनेशनल कंपनियाँ नहीं कर पाती जनाब। कह रहे नहीं मैडम हमारी कंपनी कर देती है। मैंने कहा अभी मुझे बताओ आपकी क्लोजिंग पर कौन कौन से प्रोडक्ट शॉर्ट हुए थे। बोलो वो तो 2-3 दिन के लिए हुए थे। मैंने कहा उसे ही तो शॉर्ट बोलते हैं और किसे बोलते हैं, डीएनए तो डीएनए। क्लोजिंग पे कई बार नहीं होता, जैसे मान लीजिए आप पिछले का ज्यूम करके रखते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमेशा। अभी हमारे भाई साहब को बड़ा आइडिया होगा, कभी कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकल जाएगी, कभी ब्रेन फ्यूल ज़्यादा निकल जाएगा, कभी स्किन फ्यूल 100 पीस रखी इन्होंने 200 अंदाजा लगाया, पता चला इस बार 200 बिक गई। क्यों? क्योंकि जी 2-4 लीडर ने क्या करा थी, स्किन फ्यूल की ट्रेनिंग लगा दी थी अपनी टीम पे। पर लीडर जिसकी ट्रेनिंग लगा दे वही प्रोडक्ट शॉट। ये तो लीडर के ऊपर होता है कि कब उसके दिमाग में कौन सा फितूर चढ़ा। मैं इस बार अहमदाबाद गई, गुजरात गई, वहाँ से नोनी स्टॉक आउट। मैंने कहा क्या हुआ, बोले मैडम अगली बार आप नोनी की ट्रेनिंग करके चली गई थी तो सब नोनी ले गए अपने बिल में। क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हमेशा ध्यान रखें कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में दूसरा पॉइंट क्या आएगा, प्रोडक्ट्स का 2-3 दिन का शॉर्टेज चलता है। ये पार्ट है, मैं कोई चीज़ बता रही हूँ आपको। मुझे एक कंपनी के लीडर मिले, उनकी कंपनी में, उनकी कंपनियों की बातें बता रही हूँ। मैंने बोला जी मैम मैं अपनी कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। मतलब रीज़न कि मैम वो ना प्रोडक्ट के कोरियर बड़े दिनों दिनों में आते हैं, और कोई कंपनी अभी रिसेंटली शुरू हुई थी। मैंने कहा अगर यही रीज़न है ना छोड़ने का तो मत छोड़ना, मैंने कहा पार्ट ऑफ सर्विसेज क्या है, और इसको अगर कंपनी चाहे तो ठीक कर सकती है, अगर ये अगले 6 महीने में ठीक ना हो ना तो डिसीजन ले लेना। नहीं समझे? अगर ये अगले 6 महीने में ठीक ना हो तो डिसीजन ले लेना, लेकिन अभी 6 महीने टाइम दे दो अपनी कंपनी को, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। वो कोई अच्छा जॉब पे हायर करेंगे वो आके ठीक कर देगा, लेकिन उसके बाद वो ठीक नहीं कर पाए तो नियत नहीं है ठीक करने की, फिर छोड़ देना। समझ रहे मेरी बात को? जबकि मेरे पास आ रहा था वो, और एक अच्छी कंपनी चंडीगढ़ की एक कंपनी है, मेरे पास आने वाले व्यक्ति को मैं गाइड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका चेक 5 लाख से ऊपर चला जाता है ना तो आप इस इंडस्ट्री के लीडर हो, आप किसी कंपनी के लीडर नहीं हो। बहुत ज़रूरी है आपको सही तरीके से लेके आना किसी को भी, और कोई मैंने कहा बाकी सेटिस्फाई हो कंपनी से, पे आउट से सेटिस्फाई हो, प्लान से सेटिस्फाई हो, अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाई। जी हम सबसे सेटिस्फाई हूँ, बस इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो। मैंने कहा फिर 6 महीना आपको मुझे लगता है वेट करना चाहिए, 6 महीने भी ठीक ना हो तो फिर आ जाना, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज आ सकते हो। मेरे को तो फ़ायदा था, वो आ रहा था, लेकिन वो जिस कारण आ रहा था वो कारण सही नहीं था। इसलिए बीइंग अ लीडर आपको सही गाइड करना ज़रूरी है, चाहे आपका कंपनी हो चाहे बाहर का कंपनी का हो। तो पॉइंट कुछ समझ में आए? पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, जब भी शुरुआत करें अंत का ध्यान रखकर शुरू करें। ठीक है, अंत में क्या क्या ध्यान रखेंगे, भगवान ना करे अपलाइन को कुछ हुआ तो मैं खड़ा हूं, मैं और बोल लूंगा, डाउनलाइन भाग गई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं खड़ा हूं तो दूसरी खड़ी कर दूंगा, फिर से आ जाएगी, फिर से आएगी, 100% आएगी। मेरी 8 साल के करियर में मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, 8 साल का एक भी लेटर मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ है ओके लाइफ केयर में। हेलो, बट अंत का ध्यान, अंत का ध्यान क्या था, डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा पैसा आ सकता है, ये क्लियर था, दैट्स कॉल्ड द एंड रिजल्ट। और आया ना, आज दुनिया को बताने की जरूरत है? हाँ जी जरूरत है। टैक्स कटा है मेरा 60,000, मेरी उम्र के बच्चे अपने माँ पापा के फार्मों में पैसे बर्बाद करा रहे हैं इतनी नौकरी के लिए, हाँ कि ना? Yes. कि सरकारी नौकरी मिल जाए 50-60 हज़ार रुपये की, ना जाने कितने बंडल्स और फार्म उन्होंने खराब करवाए होंगे। मैं गलती नहीं बोल रही ना उन बच्चों की, ना गलती बोल रही उस पेरेंट्स की, कहीं ना कहीं होप में वो कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं और करना चाहिए। जिंदगी का नाम है कि आप आशा तो करें, कम से कम आशा के सारे जी तो सकते हो। बट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। हाँ सेटल हो जाए, जल्दी जल्दी सेटल हो जाए विदाउट डिस्टर्बिंग। या युवतियाँ टैक्स पे कर रही हैं, गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट किया या गवर्नमेंट को हम बोझ बने पड़े हैं? और मेरे उम्र के बच्चे जो नौकरी खोज रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? अपने ऊपर भी, अपनी फैमिली के ऊपर भी, और अपने गवर्नमेंट के ऊपर भी, अपने देश के ऊपर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने देश की सेवा का मतलब ये नहीं है जाके बॉर्डर पे लड़ो। बात समझ में आ रही है?
यस या नो? अपनी देश की सेवा का अर्थ ये नहीं कि हम जाएं और बॉर्डर पर लड़ें। टैक्स पे करना भी देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होती है, क्योंकि आपके उस टैक्स के पैसे से हथियार बनते हैं, आपके उस टैक्स से पैसे से फौजी की सैलरी जाती है, आपके उस टैक्स से पैसे से सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, गवर्नमेंट टीचर को सैलरी जाती है, आपके उस टैक्स के पैसे से सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ जाती हैं, सरकारी डॉक्टरों को फी उनकी सैलरी जाती है। मतलब आपका टैक्स कितना पुण्य का काम कर रहा है, ना जाने कितने लोगों को दवाएं दे रहा है सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर, कितने गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है आपका टैक्स, और कितने देश की सेवा में यूज हो रहा है सिपाहियों के जरिए। क्लियर हुआ? तो टैक्स पे करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जितनी इनकम की लोग कामना करते हो उतना टैक्स दे सकते हो आप इस इंडस्ट्री से, एंड विद इन कितना, ओनली 16 मंथ, बहुत बड़ा पीरियड है क्या? No. बहुत बड़ा पीरियड है क्या? No. मैं हमेशा बोलती हूँ आपके लाइफ का 6 मंथ जो होता है ना, वो आईसीयू जोन होता है। कितने लोग हैं जिनको यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा हो गए इस कंपनी के अंदर, वो हाथ थोड़ा खड़ा कर ले। नहीं हुआ ना, ये 6 महीना आपके लिए बहुत डेंजर जोन है। 99% लोग इसी जोन में मर जाते हैं, इसे बोलते हैं आईसीयू जोन। आपकी ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर 99% लोग इस बिजनेस से आउट, और ये 6 महीना अपने आप को बचा के रखना होता है। इस 6 महीने में बड़ी सुपर्णखा आएंगी, बड़ी मंथरा आएगी, हाँ हाँ डिस्टर्ब करेंगी, पर कौन सी कंपनी कर ली, बेकार है, जीरो जाता है हर महीने। ये कोई कंपनी है कैरी फॉरवर्ड में आते, देख बचा पड़ा है। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं भाई, हमारी इतनी लीगल कंपनियां बिना पैन कार्ड के आईडी नहीं लगती, हाँ कि ना? हेलो, यहीं हो, बाहर चले गए? बहुत सारी देखो, आपके किसी का बजा ना तो बिना गाने के डांस करवाएंगे। सोचो बिना म्यूजिक के डांस कैसा लगेगा, कितना मजा आएगा ना। तो जिसे बिना म्यूजिक के अपना डांस दिखाना है वो अपना फोन खोल के छोड़ दे। और मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैं बोलूंगी फिर मैं पक्का करूंगी आप बिना म्यूजिक के नचवाऊंगी, ठीक है? बस थोड़ा हम साथ देने के लिए क्लैपिंग कर देंगे। नाउ मैं क्या बात कर रही थी, 6 महीना इज आईसीयू जोन, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनियां डिस्टर्ब करेंगी, जिसमें से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगी कैरी फॉरवर्ड कंपनी। लई धरा देख, एक तरह कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, इधर किधर कर इधर, और उसकी आईडी और खुलवाएंगी, आईडी खोल अपनी देख। जबकि देखो उसने किया होता तो उसके दोनों टीम में बिजनेस आ जाता, हाँ कि ना? उसने किया ही नहीं, उसकी अपलाइन से आया है, तो उसको दिखाएंगे, ये देख तेरा इतना वेस्ट हो गया, मेरे यहाँ होता ना तो तेरे यहाँ बचा रहता, हाँ दिखा दे। नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ओके, नाउ सेकंड क्या बोलेंगे, कैसी कैसी कंपनियां हैं जो कंपनी में लीडर बिना आपके डॉक्यूमेंट मांगे आइडिया लगा देते हो, उस कंपनी को आप समझ रहे हो कितनी ऑथेंटिक है वो? हमारे यहाँ पर बिना पैन कार्ड की आईडी लगती है? आपको पता है अगर आपकी आईडी लगी है तो, लेकिन ओके मार्केट की कंपनियां नाम पता होना चाहिए बस, और ठोक दो उसकी आईडी, और फिर 10 दिन बाद जाओ उसके पास और बोलो देख 50 लोग आ गए तेरे नीचे, एक तरफ कैरी फोर्ड दूसरी तरफ तुझे डालना और पैसे आ जाएंगे। अब हमारे यहाँ तो दोनों चलानी है उसको, तो वो सोचा यहाँ 2 चलानी है वहाँ 1 ही चलानी, चल वहीं कर लेता हूँ, गया ना 6 महीना आईसीयू जोन बोला था मैंने, आउट हो गए, लुढ़क जाएंगे अब वो, खत्म। द 6 मंथ इज आईसीयू जोन, आईसीयू जोन से जिंदा निकलना है बाहर, मरना नहीं है। सेम ये 6 महीने जब आप दूसरी कंपनी में गए ना, वहां भी शुरू हो जाएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में बोलने वाले लीडर ऐसे होते हैं और 6-6 महीने में कंपनियां बदल जाती हैं, वो आईसीयू जोन में तो टिक नहीं पाते, अपने आप को लीडर बोलते हैं। किस बात के लीडर हो भाई, नहीं हो आप लीडर, ये आईसीयू जोन में बचना है। या कितने लीडर अभी 6 महीना नहीं हुआ पहले हाथ खड़ा कर ले, यू आर इन अ वेरी डेंजर जोन। कितने लोग आईसीयू जोन से जिंदा बाहर निकलेंगे पहले वो हाथ खड़ा करें। खड़ा करने पता है क्या क्या तरीका, बस बोला 6 महीने कुछ भी हो, हाँ हो ना हो, आंधी आए तूफान आए, रहेंगे ओके में, हाथ खड़ा रखो और बोलो ओके में रहेंगे। क्लियर हुआ? 6 महीना इसी में रहना ही जिंदा रहने के सबसे बड़ा चांस है। मैं मेरे 6 महीने का अगर आपको ग्राफ दिखाऊं, पहले महीने का पे आउट 300 आ गए होंगे, बहुत सारे लुड़काने वाले मुझे, ध्यान देना 2 लाख का रनिंग पे आउट छोड़ के आई थी लास्ट कंपनी में, तो मेरे तो और पीछे पड़े होंगे लोग, क्या कर रही है सोनम, गलत कंपनी का डिसीजन ले लिया तूने, 300 ही आए हैं। दूसरा महीना 15,000 क्या पे आउट है 2 लाख के अकॉर्डिंग, तीसरे महीने आजादी का सन
सुनने में अच्छा लगता है, पे आउट में देखो कितना मजा आ रहा होगा मुझे। आईसीयू जोन है अब तीसरा महीना तो खतरनाक आईसीयू जोन, बहुत तोड़ने वाले आ गए। अरे तू आना, 1,00,000 ले ले अभी। आपको तो पावर देते हैं, हमें तो पावर दे ही नहीं सकते क्योंकि मैं तो बिलीव ही नहीं करती पावर पे। जिस कंपनी से आई थी 1 करोड़ का पावर छोड़ के आई थी, तो आई नो कि वो बेकार की चीजें हैं सब, कुछ नहीं होता फायदा है पावर वावर से। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 करोड़ का पावर छोड़ के आई थी, मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कभी नहीं मिलता, जो मैच करोगे उसी का मिलेगा किसी भी कंपनी में। कैरी फॉरवर्ड का पैसा नहीं मिलता, और जो व्यक्ति मैच कर सकता है तो वो कंपनी दोनों टीम भी चला सकता है। क्लियर है? चाहे जीरो होने वाला प्लान हो चाहे कैरी फॉरवर्ड प्लान हो, पैसा वही कमाएगा जो काम करता है। और जिसे 1 लैग बनानी आती है, ध्यान देना, वो दूसरी भी बना। गॉट माय पॉइंट? तो कैरी फॉरवर्ड अपने आप में एक दिखाने का लालच, बोलते हैं दिखाने का लॉलीपॉप है, नुकसान है उसका, कोई फायदा नहीं है, करके आई हुई हूँ ऑलरेडी, राइट। दूसरी चीज, कैरी फॉरवर्ड में बिजनेस नहीं करता लीडर। एक एग्जाम्पल, मैं वर्किंग हूँ, मैंने तो हर महीने अपना मैच करना, ये वर्किंग नहीं है, ये क्या है? सम टाइम वर्किंग है। तो मैं जब इनके पास जाऊँ तो ये प्लान कर लें, और जब ना जाऊँ तो प्लान ना करें। अब कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में बोल लीजिए सोनम तू आएगी तो तब कर लेंगे, समझना। अब मैं 1 महीने नहीं गई, ये 1 महीने बैठी है, क्यों? बोला कैरी फॉरवर्ड है ना, कौन सा बेस्ट हो रहा है, जब आएगी तो कर लेंगे। हाँ, वह नॉन वर्किंग तो नॉन वर्किंग ही रहता है जिंदगी भर, वो अपलाइन भरोसे रहता है। आप बताओ, अपलाइन भरोसे तो डुप्लीकेट हुआ? डुप्लीकेट नहीं हुआ तो आपकी सेल्स मल्टीप्लाई हुई, टाइम मल्टीप्लाई हुआ, आए किस लिए थे? अकेले काम करने के लिए। कैरी फॉरवर्ड में कभी डुप्लीकेट केटर रेडी नहीं होते, वो होंगे ही नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में बैठे रहेंगे आराम से। बोला जब मेरी अपलाइन आएगी तब मैं करूँगा। अब यहाँ पर मैं अगर 1 महीना बाहर हूँ, और जो जिसको पैसा कमाना है ना, बोला भैया सोनम के तो बन रहे पैसे, तो घूम रही है बना रही है, मैंने मैच नहीं किया तो जीरो हो जाएगा। भैया उठ लूँ, जैसा आता वैसे ही करूँगा क्योंकि जीरो हो जाएगा अगले महीने, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, तो घूम रही है, इसका तो बन रहा है पे आउट, ये तो मैच कर जाएगी ना अपना कहीं ना कहीं से, भले मेरे पर भरोसे थोड़े बैठी है, कहीं से भी मैच कर लेगी। लेकिन मैंने मैच नहीं किया तो किसका नुकसान है? मेरा। क्योंकि जीरो हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं, डुप्लीकेटर रेडी। पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, कैरी फॉरवर्ड पे प्लान, टीम 22,000 2 साल में, जीरो होने वाला प्लान पे टीम 1,00,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी तक। हेलो, कितने महीने? 16 महीने। समझ में आ रहा है ग्रोथ कहाँ पे हुई? पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, पर्सनल अनुभव। और बाइनरी बताऊँ कितनी थी? 30% मैचिंग थी। कितनी थी? 30%। लेकिन बेक क्या रहा था? सिर्फ सप्लीमेंट, फेस वॉश, साबुन बहुत कम था, ऑलमोस्ट सप्लीमेंट्स थे। कैरी फॉरवर्ड था इसलिए डुप्लीकेटर रेडी नहीं हो रहे थे। तो 2 साल में कितने बने? 22,000 लोग। यहाँ कितने बने? 1,00,000। ओके, यहाँ 2 साल में हाईएस्ट पे आउट 3,50,000, सॉरी 4,50,000, 3,75,000। यहाँ पर 12,00,000 डुप्लीकेटर रेडी हुए ना, क्योंकि बात समझ में आई नहीं मेरी, या नहीं हो पा रहे थे। द रीजन बिहाइंड दैट कैरी फॉरवर्ड, हाँ, तो वो बैठे रहते थे मेरे चक्कर में या वर्किंग वाले के चक्कर में कि जब ये आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे। आलसी लोग हो जाते थे। हम यहाँ करते थे क्यों? हम पे आउट बढ़ाने में लगे पड़े थे। गॉट माई पॉइंट? समझ पा रहे मेरे पॉइंट को, मैं क्या बताना चाह रही हूँ? Yes. और जब छोड़ा तो 1 करोड़ का कैरी फॉरवर्ड था 1,00,000 से। बताओ मुझे, जीरो होने वाले प्लान में बढ़िया है ना, कभी भी छोड़ेंगे, भगवान ना करे छोड़ना पड़े, बट कभी भी छोड़ा तो कंपनी ने बाट बूट के निपटा दिया यार, मेरे जैसे भाई बहनों में चला गया। यहाँ किसको बचा? कंपनी। क्लियर हुआ? Yes. ये कंपनियां रखती हैं अपने पास यहाँ पर, और यहाँ किसके होता है? हम जैसे आपके जैसे लोगों में बट गया, पॉइंट की वैल्यू बन जाती है ना। और यही कारण है कि ये लंबा चलती है। मेरे हमेशा पहले पॉइंट पे आ जाओ फिर से। पहला पॉइंट क्या था? अंत को ख्याल रखकर आरंभ करो। कैरी फॉरवर्ड शुरू किया, पहली चीज तो ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट कहने को होती है, फास्ट ग्रोथ शुरुआती दौर में। लेकिन मैंने बोला अंत को ध्यान रखकर शुरू करो, तो अंत क्या है? वहां लिमिट आएगा, बाद में रुकेगा। कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में डुप्लीकेटर बहुत ज्यादा रेडी नहीं हो पाएंगे। जो डुप्लीकेटर रेडी भी होंगे वो सारे कौन से होंगे? बोला एक तो कैरी फॉरवर्ड मिलेगा मेरे को, सबको हेलीकॉप्टर एंट्री दो ऊपर उठा के, ऊपर दे दो आइडिया, और क्या होगा डुप्लीकेट यहाँ पे?
सिंगल आईटी लिमिट इनकम जाएगी। आप लिमिट कमाने आए हैं, अनलिमिटेड कमाने आए हैं? रीपर्चेज नहीं जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी, ये बहुत प्रॉब्लम वाला। नहीं तो 2 लाख का रनिंग पे और थोड़े छोड़ती, क्यों छोड़ूंगी 2 लाख का रनिंग पे आउट? ग्रोथ नहीं दिख रही थी ना, आई नीड मनी बट ग्रोइंग। कहते हैं ठहरा पानी सड़ जाता है, 2 लाख से ग्रोथ ही नहीं जा पा रही थी ऊपर, और आज तो 2 लाख अगर आता है तो आपको लगता है लग्जरी मेंटेन कर पाओगे? खर्च हो जाता है। और नेटवर्कर का तो मुझे लगता है 70-80 हज़ार अगर उसकी टीम बार बार बन गई है तो वैसे ही खर्च हो जाता है, हाँ कि ना? जितने लोग बाहर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं दे नो वेरी वेल, गाड़ी में, पेट्रोल में, डीजल में, फ्लाइट्स में, होटल में, ये खर्च हो जाते हैं। इतने बचे 1.25 लाख। अब 1.25 लाख में से आपने घर को मैनेज करना है, फैमिली को मैनेज करना है, फीस मैनेज करना है। अगर घर या तो EMI पे होगा या फिर रेंट का होगा, दोनों ही केस में वो किस्त भी जानी है। गाड़ी है तो गाड़ी की किस्त भी जानी है, बचता ही नहीं है कुछ भी। मैं कहती हूँ आज अगर 2020 में अपनी लाइफ को बढ़िया से मैनेज करना है, इसको रफ कर दो, बढ़िया से मैनेज करना है तो आपको 5 लाख कम से कम मिनिमम पे आउट का प्लानिंग करना है। कितने का? 5 लाख। तो सबसे पहले अंत क्या है, 5 लाख पे आउट कैसे आएगा इसे सोचो। 5 लाख पे आउट मैं कैसे प्लान करूं, ये कैसे आएगा? ये आएगा तो हम अपनी लाइफ में कुछ लग्जरी ऐड। मैं कहती हूँ कि अगर आप पर डे का 5,000 खर्च करते हो तो महीने का कितना हुआ? और पर डे का 5,000 फाइव स्टार प्रॉपर्टी पे खर्च होता है, पता है आपको? 5-4 स्टार प्रॉपर्टी पे आप रहोगे, ठीक है, टाइम पर चाय, टाइम पे खाना, सब कुछ दे देंगे वो। एक दिन का कितना खर्च आएगा? 5,000। कभी रहना 5 स्टार प्रॉपर्टी पे, अब समझ में आ जाएगा आपको। मुश्किल से 2.5 से 3 हज़ार जब ओयो से बुक करते हो आप तो इतना आता है 4 स्टार का, 3,000 चला जाएगा, 3,500 चला जाएगा, 1,500 खाने पे लगा लो, ओके। बाकी इसके अलावा चाय वाय तो वो वहीं रखा हुआ होता है, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, वो चाय में रखा होता है वहाँ पर, हाँ वो ऐड होता है उसमें ही, रूम के बिल में ऐड होता है वो, अलग से नहीं देने उसके। खाने का आपने देना है बस 2 टाइम का, राइट? तो आपके कितने खर्च हुए? ऑन एन एवरेज कभी 5 चला जाएगा, कभी 6, कभी ओयो के अकॉर्डिंग होता है, कभी 4.5 पे ही आ गया। 5 एवरेज उठाओ, 30 दिन तो कितना हो गया? 1.5 लाख। 5 स्टार पर रुकना लग्जरी से कम होता है क्या? लग्जरी से कम होता है? बैल पर वेटर आ जाता है, सब सर्विस देने वाला आ जाता है। अरे अभी 1.5 लाख खर्च हुए 5 लाख में से, ध्यान देना, जबकि रहने वाले नहीं हम, बड़े कंजूस लोग हैं, हम क्यों रहेंगे 30 के 30 दिन? पर फिर भी मैं कहती हूँ हम खर्च करते हैं रोज 5,000 अपने ऊपर, रोज 5,000 अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। अभी कितना बची है हमारे पास? 3.5 लाख में से 1 लाख घर के लिए निकाल दो, अपनी वाइफ को दे दो, वो घर मैनेज कर लेगी बड़े खुश खुश, हाँ जी। बोला 1 लाख तुम्हारे भाग्यवान, करो तुम इसे खर्च जैसे भी कर सकती हो, कर देगी, सब मैनेज कर देगी, बच्चे का फीस दे देगी, ट्यूशन फीस दे देगी, अरे बचाना चाहिए उसको, आटे के डब्बे में, दाल के डब्बे में डालना चाहिए उसको, पूरे बचा लेगी। ओके, अभी कितना बचा? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 5 और लगा दो अलग से, ठीक है, बचे 2। 12 महीने कितने हुए? 24 लाख। कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो? कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो? चाहिए नहीं चाहिए 5 लाख ये बताओ मुझे? 5 लाख दिखाया मैंने आपको, इसमें से मैं बता रही हूँ, हम लोग ऐसे हम ना रुकने वाले 5 स्टार पे भैया, रोज हमें मीटिंग करनी होगी तो हम उस दिन रुक लिए, मतलब मुश्किल से महीने में शायद 10 दिन, शायद 10 दिन, 20 दिन के अभी भी बचे हमारे पास पैसे, 1 लाख हैं, 1 लाख बच गए हमारे। सोचिए कहाँ खर्च करोगे 5 लाख आ जाएंगे तो? इट मीन्स अगर 5 लाख आए तो वी प्लान फॉर अवर लग्जरी कार, वी प्लान फॉर अवर लग्जरी होम, बच्चों की लग्जरी पढ़ाई, जो उसको डॉक्टर बनाना है या उसको पायलट बनाना है, कुछ भी जो एक्सरसाइज, तब आप प्लान कर पाओगे। लेकिन 6 महीने ICU जोन में भी निटिकोगे तो कैसे कर लोगे ये बताओ मुझे? मेरा 6 महीने का तो पे आउट था ही नहीं इतना, मुझे तो छोड़ देना चाहिए था। 6वें महीने का पे आउट 45,000 था, हमारे अंकित भाई का इससे ज्यादा हो गया होगा मुझे लग रहा है, हम तो इनसे भी स्लो स्पीड वाले हैं, तो हम स्लो स्पीड पे 12 लाख पहुंच सकते हैं, तो ये आप लोग फास्ट स्पीड वालों की टीम में हो यार। हमारे सतीश भाई का क्या पे आउट था?
कौन से महीने का? थर्ड मंथ का. सोचिए जब हम आईसीयू जोन में थे, हमारा आजादी का सन चेक आया था, तो हमारे सतीश भाई का तो 71,000 आया था. कितने स्पीड वाले आदमी है. लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. हर कोई सतीश सिरोही नहीं और हर कोई सोनम नहीं. लेकिन यार मेरे से गिरे थोड़े हो गए. 1947 का चेक था. मैंने यहाँ पर एक बंदे को उठा लिया जो 71,000 था. एक मैंने गिरा हुआ चेक उठा लिया मेरा 1947. आप तो इसके बीच में ही हो कहीं ना कहीं. कितने लोग का तीसरा महीना है अभी, थर्ड मंथ? कितने लोग का पहला महीना है, दूसरा महीना, तीसरा महीना? जी तीसरा महीना है आपका. जी मैम. ओके फोर्थ मंथ. ओके मैं आप लोगों से आपके तीसरे महीने का चेक जानना चाहूंगी. कितना था पता ही नहीं है. 1600. तो आप तो मेरे से कम थे आजादी के सन से. ओके जी 12917. ओ मेरे से बहुत ज्यादा थे. 12917 जी. हाँ मेरे से ज्यादा थे यार. और मेरा 25,000 था मेरा. क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार जी. और कौन है यहाँ पे चौथे महीने वाले? 13,000. क्या बात है, सर्कल क्लैपिंग कर दे. 13,000 जी. ये देखो सब मेरे से महान अनुभव है. हाँ जी 2180 मेरे से ज्यादा हो. मतलब एक हाथ थे थोड़े से लमसम में थे, वो भी मेरे पास में ही है. 1500-1900 लगभग 300 का फर्क पड़ा. यानी एक हाथ पॉइंट का अंतर है. एक पॉइंट मेरा ज्यादा बन गया होगा एक्टिव बोनस का. कंजन जी तो शुरू होती नहीं तीसरे महीने में. राइट समझ में आ रही है मेरी पॉइंट को, आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हो. पहला पॉइंट मैंने बोला अंत को ध्यान रखकर शुरू करेंगे. दूसरा आईसीयू जोन, पहला 6 महीना काटना बड़ा ज़रूरी है. उसमें डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना, ना सुनना ना समझना. प्रयास करना जिसमें है उसमें घुस जाएं, उसके मास्टर बन जाएं. अगर अपना पर्सनल परचेजिंग ज़्यादा हो जाता है तो बचा हुआ लेफ्ट राइट कहाँ जाता है ये पता होना चाहिए. अपने वाले ओके का ना, ओके के मास्टर बन जाओ. 6 महीने जिस कंपनी के अंदर हो उसके मास्टर बनो पहले. मान लो